अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन की बेस पर जॉब्स के अनाउंसमेंट की जा चुकी हैं निगरान अमला के लिए। इसमें आपकी जो जॉब होगी, आपने इम्तहानात की निगरानी करनी है और इसमें जो आपकी ड्यूटी लगती है वो आपके किसी भी नियरेस्ट पॉइंट पर लगती है, जो कि आपके एरिया में ही कोई जगह होती है जहाँ इम्तहानात हो रहे होते हैं, वहाँ पर ही आपकी ड्यूटी लगती है। आज की वीडियो में आपको इनसे रिलेटेड ऑल डिटेल्स शेयर करूँगा कि आप इसमें कैसे अप्लाई करोगे, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया और ऑल डिटेल्स। और चलें स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना। ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से जॉब्स हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी पंजाब के अंदर आप काम करेंगे। इसमें आपकी जो उम्र होगी वो 20 से 40 साल, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तलीमी काबिलियत कम अज़ कम इंटरमीडिएट FAFSC है। इम्तहानी सेंटर के औकात कार जो हैं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे और उम्मीदवार पास स्कूल इम्तहानी मरकज़ तक पहुंचने के लिए अपनी सवारी का इंतज़ाम होना चाहिए। और सिंगल शिफ्ट के यहाँ पर आपको 1000 मिलता है। अगर आप दोनों शिफ्टों में काम करते हैं, सुबह वाली और शाम वाली, आपको 2000 रुपया मिलता है। इसमें जो आप अप्लाई करोगे, ये जो लिंक दिया हुआ है RIS.PEF.EDU.PK, जब आप ये गूगल पर लिखेंगे तो नेक्स्ट जो आपको वेबसाइट मिलेगी उसमें क्लिक हेयर के ऑप्शन होगी। अभी चूंकि अलाउ नहीं तो मैं आपको करके बता देता। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है जिसमें आप ख़ुद की डिटेल्स एंटर करके सबसे पहले ख़ुद का अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद में लॉगिन करते हैं। और जब आप लॉगिन कर लेते हो, बाद में आपने ख़ुद की डिटेल्स जो हैं, आल अपनी जो आपकी असनाद हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी आपने पिक्चर्स जो हैं वो अप्लोड करना होती है और आपका अप्लाई हो जाता है। और उसी अकाउंट में आपको आल डिटेल्स मिलती हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस आपका कब है और कहाँ पर है। इसके अलावा जो आप कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हो, उस पर भी आपको कॉल करके या मैसेज के ज़रिए आगाही दी जाती है। तो कैंडिडेट्स, ये थी वो ऑल डिटेल्स जो मैं आप कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहता था। मज़ीद आप इसी लिंक पर क्लिक करके, ये जो दिया हुआ है ना RISPEF.EDU.PK, आप ये जो QR कोड है इसे भी स्कैन करके इस लिंक तक रसाई हासिल कर सकते हैं। नहीं तो आप ये जब लिखेंगे तो जो आपको लिंक मिलेगा ना फर्स्ट नंबर पर, आपने उस पर क्लिक करना है और बाद में ख़ुद की डिटेल्स एंटर करके लॉगिन कर लेना है। और जब आप लॉगिन कर लोगे, सबसे पहले अकाउंट बनाना है, उसके बाद में लॉगिन करना है। और जब आप लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद में आपने डिटेल्स एंटर करके ख़ुद का अप्लाई कर लेना है। तो ये थी वो ऑल डिटेल्स जो मैं आप कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहता था। मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।